दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2 साल से अधर में लटकी हुई है, और आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में सीपी सिंह सिंगरावाल उनकी टीम द्वारा पीएनपी पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था कि हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ उसमें पीएनपी अच्छे से पैरवी करे। और आपको बता दें आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से ये अपडेट मिल रही है जो कि सीपी सिंह सिंगरावाल द्वारा मुझे उपलब्ध करवाई गई है। ये आप लोग केस स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ पर देखो सारी चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पर देखो आज 29 जनवरी को इस मामले पर जब सुनवाई हुई, इसका जो नेक्स्ट डेट लगा हुआ है ये अब 12 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगी हुई, 2 बजे यहाँ पर सुनवाई होगी और ये अंतिम सुनवाई बताई जा रही है। ओमवीर सिंह के नाम से एक केस, इसके साथ और भी कई सारे केस कनेक्ट हैं। आपको बता दें ये जो मामला पूरा है इस पर जो है दिसंबर से ही स्टे लगा हुआ, इसी वजह से आगे भर्ती नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में दिसंबर 2022 से ही भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बना हुआ है। 29 मार्च यानी आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 36 में ओमवीर सिंह की याचिका 16/18, इसके साथ विपिन सिंह की याचिका 15/944 को टैग किया गया है। माननीय न्यायाधीश आशुतोष जी ने केस को सुना, लगभग 8 मिनट की बहस हुई। माननीय न्यायाधीश जी ने 12 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे का समय निश्चित किया है। पूरी सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 12 अप्रैल की सुनवाई से अभ्यर्थियों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हुए हैं कि भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में ही प्रारंभ हो जाएगी। सीपी सिंह सिंगरावर जी द्वारा मुझे ये अपडेट देखो किया गया है। कुल मिलाकर के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अब 12 अप्रैल की सुनवाई बहुत ही खास है और उम्मीद है कि इस दिन जो है ऑर्डर आपका आ जाएगा और इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यहाँ पर है कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्तियों के बारे में। अभी 2-3 घंटा पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आप लोगों को अमेठी जिले की वैकेंसी के बारे में पूरा अपडेट दिया था, पूरा विज्ञापन दिखाया था आपको। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में एक नया विज्ञापन आया है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये विज्ञापन आपके सामने है और ये विज्ञापन आया हुआ है सिद्धार्थ नगर से, ठीक है। 25 मार्च की यहाँ पर डेट है और सिद्धार्थ नगर के 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जहां पर ये भर्तियां हो रही हैं। इसमें आप लोग पद देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका के यहाँ पर गणित विज्ञान हिंदी संस्कृत के पद हैं। यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी है। विज्ञान के 2 पद हैं, गणित के 10 पद हैं और हिंदी संस्कृत के यहाँ पर 2 पद हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर मेंशन की गई है। 22,000 रुपए पेमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है कंप्यूटर और कला क्राफ्ट के लिए है। इसमें देखिए कंप्यूटर के 6 वैकेंसी है और कला क्राफ्ट के 9 वैकेंसी है। इसमें 9,800 रुपए पेमेंट मिलेगा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी यहाँ पर है वो शिक्षिका उर्दू के लिए है। इसमें देखिए 2 वैकेंसी है, 13,200 रुपए पेमेंट मिलेगा। और इसके अलावा मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया की वैकेंसी है जिसमें 8 पास यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर आपको आवेदन का जो प्रारूप है इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखो दिया गया है। ये आपके पास आवेदन का प्रारूप रहेगा, इसको आपको भर करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट उनको अटैच करके आपको भेजना है। भेजना कहाँ पर है, जो सिद्धार्थ नगर का बीएससी ऑफिस है वहां पर बाई पोस्ट आपको रजिस्ट्री डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कार्यालय का पता यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिखा है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर। और लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक आपका जो आवेदन है पहुंच जाना चाहिए। केवल पंजीकृत डाक से ही आपको फॉर्म भेजना, साधारण डाक से मत भेजना, या फिर आप बाई हैंड भी जाकर के वहां पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कई जिलों से वैकेंसियां आ रही हैं, अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर 25 वर्ष रहेगी, अधिकतम एज यहाँ पर 45 वर्ष रहेगी। और जैसे जैसे विज्ञापन मिलते जाते हैं तो हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन ना किया हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो @ABTech123 सर्च करके
जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि है वीडियो 2018 भर्ती री एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते हैं एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभी तक यहाँ पर मामला काफी डिले था, पेंडिंग था। अब यहाँ पर जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार आपका जो एग्जाम है वो मई और जून के महीने में करवाया जाएगा। मई और जून के लिए यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा जो एजेंसी है उनसे विचार कर रहा है कि इन इस महीने में परीक्षा करवाई जाए। अभी दो एजेंसियों से बात चल रही है, इन दो एजेंसियों में जो फाइनल हो जाती है उससे आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये जो परीक्षा तिथियां हैं कब होंगी उसकी भी डेट निकल के आ चुकी है, एक संभावित डेट। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, आपका जो एग्जाम है 20 मई से लेकर के 25 जून के बीच कराए जाने की यहाँ पर तैयारी है, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल और मई दो महीने का समय है आपके पास। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो यहाँ पर एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। तैयारी करने के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर को एक्सेस कर सकते हैं।